नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दंगल अरेना टीवी में। दोस्तों, एक समय था जब हरियाणा में लड़कियों का घर से निकलना मुश्किल था, जिन्हें अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी का कोई भी फैसला नहीं लेने दिया जाता था। और आज का दिन है, हरियाणा की लड़कियों ने वो करके दिखाया है जो पुरुषों के लिए भी आसान नहीं है। इन सब के काबिले तारीफ का कोई हकदार है तो वो है फोगाट बहनों के पिता महावीर फोगाट जी, जिन्होंने देश को गोल्ड मेडल दिलाने की उम्मीद में भारतीय महिला कुश्ती का इतिहास ही बदल डाला। और वहीं से शुरुआत हुई एक नई महिला कुश्ती की, जिसके परिणाम हमें आज देखने को मिल रहे हैं। देश में आज एक नहीं चार चार लड़कियों ने ओलंपिक कोटा हासिल किया है, जिसमें आज हम बात करेंगे पहलवान सोनम मलिक की, जिन्होंने 62 किलोग्राम भार वर्ग में ओलंपिक कोटा हासिल किया है। आज हम उनके जीवन के उतार चढ़ाव के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि एक छोटी सी लड़की ने इतनी कम उम्र में ओलंपिक तक का सफ़र कैसे तय किया। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं पहलवान सोनम मलिक की। सोनम मलिक का जन्म 15 अप्रैल 2002 को हरियाणा के सोनीपत जिले के गांव मदीना में हुआ। उनका परिवार पहलवानों का परिवार रहा है। उनके चचेरे भाई राज्य व नेशनल स्तर के पहलवान रहे हैं और उनके पिता भी पहलवानी करते थे। संसाधनों के अभाव के कारण वह एक अच्छे पहलवान तो नहीं बन पाए, पर उनका सपना था कि उनकी बेटी जरूर एक अच्छी पहलवान बने। बस यही कारण था कि सोनम मलिक को इतनी कम उम्र में अपनी पहलवानी की शुरुआत करने का मौका मिला। वह 2011-12 के आसपास अपने गांव के ही अखाड़े में जाने लगी, जहां उसके भाई और गांव के कुछ बच्चे भी जाया करते थे। वहां सोनम के कोच थे अपने टाइम के एक अच्छे पहलवान व आर्मी से रिटायर पहलवान अजमेर मलिक। अजमेर मलिक जी बताते हैं कि उन दिनों वह आर्मी से रिटायर आए ही थे तो उनके मन में कुश्ती एकेडमी खोलने का विचार आया, तो उन्होंने वही मदीना गांव में ही एक छोटी सी एकेडमी की शुरुआत की। उसमें वह टेनिस और कुश्ती का अभ्यास कराया करते थे। शुरुआत के कुछ दिनों बाद ही सोनम मलिक भी वहां कुश्ती के अभ्यास के लिए जाने लगी। शुरुआत में उनके पास 3 से 4 पहलवान ही कुश्ती सीखने आया करते थे। उस समय उनके पास अच्छी ट्रेनिंग के लिए कुश्ती का मैट भी नहीं था, वह मिट्टी में ही अभ्यास कराया करते थे। फिर धीरे धीरे उनके पास पहलवान जुड़ने लगे और अच्छा प्रदर्शन करने लगे। उसके बाद गांव वालों की सहायता से अकेडमी में मैट की सुविधा भी हो गई और उसका परिणाम आज आपके सामने है। सोनम मलिक को कुछ सालों की कड़ी मेहनत के बाद 2016 में नेशनल स्तर पर मैट पर उतरने का मौका मिला। वहां उसने किसी को निराश नहीं करते हुए स्कूल नेशनल गेम्स में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। उस समय उनको लगा कि उनमें कुछ बात है, अगर वह और अच्छी ट्रेनिंग करे तो नेशनल ही नहीं इंटरनेशनल स्तर पर भी देश को मेडल दिला सकती है। अगले साल 2017 में उन्होंने कैडेट नेशनल चैम्पियनशिप में सिल्वर मेडल अपने नाम किया। उनके इस लगातार अच्छे प्रदर्शन के कारण उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला और वहाँ भी उन्होंने उम्मीदों पर खरा उतरते हुए पहले वर्ल्ड स्कूल रेसलिंग गेम्स में गोल्ड मेडल देश को दिलाया। उसके बाद एशियन चैम्पियनशिप में सिल्वर मेडल और उसके बाद उसी वर्ष कैडेट वर्ल्ड चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर 2017 की वर्ल्ड चैम्पियन बनी और उसके बाद उन्हें आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर के खिताब से नवाजा भी गया। इतना सब खुशी का माहौल चल रहा था कि उसी वर्ष निजी स्तर की कुश्तियों में उनके कंधे में चोट लग गई। उसके हाथ में इतना दर्द होता था कि सोनम अपना हाथ भी नहीं उठा पाती थी। डॉक्टरों का कहना था कि उनके कंधे से हाथ तक सिग्नल नहीं पहुँच पा रहा है और अब वह कुश्ती नहीं खेल पाएगी। और इसी हादसे की वजह से सोनम को उनका सपना टूटता हुआ दिखाई देने लगा था। सोनम के पिता पास ही एक शुगर मिल में काम करते थे। उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो किसी बड़े हॉस्पिटल में इलाज कराने का खर्चा उठा सके। उसके बाद उन्होंने देसी इलाज का सहारा लेना शुरू किया और शायद किस्मत को भी यही मंजूर था कि सोनम मलिक ओलंपिक में जाए, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ 5-6 महीनों के इलाज के बाद सोनम का हाथ ठीक होने लगा और वो दोबारा कुश्ती के अभ्यास के लिए जाने लगी। पर उनको पूरी तरह स्वस्थ होने में 1 से 1.5 साल का समय लग गया, जो कि एक खिलाड़ी के लिए बहुत मुश्किल समय होता है। अगले वर्ष
2018 में सोनम को कैडेट एशियाई चैंपियनशिप और वर्ल्ड चैंपियनशिप में फिर से भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला और अपनी चोट से उभर रही सोनम ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं कर पाने के कारण दोनों चैंपियनशिप में देश को ब्रॉन्ज मेडल से ही संतोष करना पड़ा। अब साल था 2019 का। इस वर्ष उन्होंने यूनिवर्सिटी की तरफ से खेलते हुए ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में गोल्ड मेडल जीता, उसके बाद एशियन चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता और फिर से कैडेट वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर 2019 की वर्ल्ड चैंपियन का खिताब अपने नाम किया। अब वर्ष था 2020। इतने वर्ष के अच्छे प्रदर्शन और सफलताओं को देखते हुए उनके कोच को लगा कि सोनम मलिक में वह क्षमता है, वह देश को ओलंपिक में भी मेडल दिला सकती है। उनको फेडरेशन से अपील करते हुए कहा उन्हें सोनम मलिक को एक मौका जरूर देना चाहिए, उनमें वह प्रतिभा है, वह सीनियर में भी अच्छा कर सकती है। पर सोनम के लिए यहाँ इतना आसान नहीं था क्योंकि ओलंपिक क्वालिफायर में जाने के लिए सोनम को उसकी कैटेगरी में सीनियर खिलाड़ी रियो ओलंपिक की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट साक्षी मलिक को हराना था। शुरू में तो सीनियर खिलाड़ी को देखते हुए सोनम के मन में झिझक थी, पर वो साक्षी मलिक के साथ कुश्ती नहीं कर पाएगी। फिर उनके कोच ने उनका हौसला बढ़ाते हुए समझाया कि उनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, पर पाने के लिए बहुत कुछ है। अगर वह ट्रायल में जीत जाती है तो उनका ओलंपिक में जाने का सपना पूरा हो सकता है। उसके बाद सोनम मलिक ने ट्रायल देने का फैसला किया और सीनियर खिलाड़ी साक्षी मलिक को ट्रायल में 8-7 से मात दे दी। साक्षी मलिक को हराने के बाद सोनम को रोमन रैंकिंग सीरीज और एशियाई चैंपियनशिप खेलने का मौका मिला, पर दुर्भाग्यवश सोनम वहां अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई और फिर एक बार दोबारा सवाल उठने लगे कि अगर सोनम अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रही है तो क्यों ना साक्षी मलिक को एक मौका दिया जाए। बात भी सही थी और ट्रायल दोबारा कराई जाए। उसके बाद दोबारा फरवरी में फिर से ट्रायल कराई गई, उसमें भी सोनम मलिक ने साक्षी को फिर से हरा दिया और ओलंपिक क्वालिफायर में जाने का रास्ता साफ कर लिया। इसके बाद आता है साल 2021। इस वर्ष की शुरुआत में ही सोनम को घुटने की चोट परेशान करने लगी और उसके कारण उन्होंने रोम में होने वाले रैंकिंग सीरीज से भी बाहर होना पड़ा। फिर उसके बाद शुरू होती है जिसका सबको इंतजार था, एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर जो अप्रैल में अल्माटी में होने थे। सोनम यहाँ ओलंपिक कोटा हासिल करने का मौका नहीं गंवाना चाहती थी, इसलिए उन्होंने चोट का ख्याल नहीं करते हुए क्वालिफायर में भाग लिया और नामी पहलवानों को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। पर यहाँ वही हुआ जिसका डर था। इस मैच में शुरुआत में ही सोनम के घुटने का दर्द सताने लगा और जैसे तैसे चोट से जूझते हुए हौसला रखते हुए सोनम ने सेमीफाइनल में जीत हासिल की और इसके साथ ही ओलंपिक कोटा भी हासिल किया। यहाँ ओलंपिक कोटा हासिल करने के बाद सोनम ने चोट को देखते हुए फाइनल मैच से अपना नाम वापस ले लिया और सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा। तो दोस्तों, यह थी भारत की सबसे युवा महिला ओलंपियन पहलवान की कहानी जो पिछले 1-2 साल तक कैडेट में खेला करती थी और आज वह बड़े बड़े सीनियर खिलाड़ियों को हराकर सबसे कम उम्र की ओलंपिक में जाने वाली खिलाड़ी बन गई है। यह उनकी कड़ी मेहनत, एक अच्छे गुरु द्वारा अच्छी शिक्षा और उनके माता पिता के आशीर्वाद का ही नतीजा है। उनके कोच अजमेर मलिक जी बताते हैं कि सोनम कभी मेहनत करने से पीछे नहीं हटती थी, उनको जो भी टास्क दिया जाता था उसको करने में जी जान लगा देती थी। हमने कभी सोनम को यह कहते हुए नहीं सुना कि यह मुझसे नहीं होगा। यही सब चीज़ें हैं जो एक खिलाड़ी को उसके सपने पूरा करने में मदद करती हैं और हमें पूरी उम्मीद है इस बार भारत को ओलंपिक मेडल की उम्मीद जो है वो पूरी हो जाएगी। अपनी कैटेगरी में सभी क्वालिफाई खिलाड़ी मेडल के परफेक्ट दावेदार माने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे आप जिस पहलवान की बायोग्राफी जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो हमें कमेंट करके बताएं और इस वीडियो से संबंधित हमारे लिए कोई सुझाव हैं तो कृपया कमेंट जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।